Namaste dear students and welcome to Current Affairs Samiksha with PT Education. We offer you a combined session for 8th and 9th of February 2018 today. Saathiyon, aapka hardik swagat hai. Aaj ke humare Current Affairs Samiksha mein hum 8 aur 9 February ke sare Current Affairs ek saath cover karenge. To tayyar hain aap? Hum aap tak laate hain across the board. Very broad coverage, साथ ही multiple sources से याद रखिए हम सिर्फ एक अखबार का source बिल्कुल नहीं लेते हैं, 8 से 9 अलग अलग स्रोतों से जानकारियां इकट्ठी करके हमारी टीम ये सत्र आपके लिए तैयार करती है. Objective, unbiased, exam focused, conceptual, bilingual and of course रोजाना आपको मिलती है एक शानदार online quiz. Solve कीजिए एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहें और वो मिलती है आपको हमारी साइट currentaffairs.pteducation.com अर्थात ca.pteducation.com पे. याद रखिएगा whenever you open any day's current affair, ये आपने ओपन कर लिया, यहां सेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको नीचे यहां पर क्विज भी मिलती है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है. तो जब आप क्विज सॉल्व करेंगे इसमें 8 क्वेश्चंस होंगे, 5 ऑप्शंस हैं और एक-एक के 5 मार्क्स है. जब आप इस तरह से पूरी क्विज सॉल्व कर लेंगे साथियों तो आप अपना नेट स्कोर भी देख सकते हैं और उसके बाद यू कैन क्लियर एवरीथिंग एंड रीटेक द क्विज. ध्यान रखिए इस तरह से क्विजेस का अपने आप में एक अद्भुत कलेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है करंट अफेयर्स की साइट पर. तो अभी तक कितने लोगों ने रेगुलरली क्विज ली है कृपया कमेंट थ्रेड में जरा हमें कंफर्म जरूर कीजिए. एंड ऑफ कोर्स यू विल डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द सेम साइट. यहां नीचे आपको पीडीएफ भी मिलता है साथियों, इसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. जितने भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ये 3 स्रोत आपके लिए रोजाना प्रैक्टिस के लिए हैं. अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हें कंटिन्यूअसली यूज कीजिए. डाउनलोड का पेज तो बड़ा मैजिकल है भाई, बिल्कुल मिस मत करना. एंड इफ यू आर अ वेरी सीरियस एस्पायरेंट एनरोल इन अ 3 ईयर और अ 2 ईयर प्रोग्राम, सारी जानकारी पीटी गुरुकुल पर उपलब्ध है. पीटी गुरुकुल पर आइए, जानकारी लीजिए, एनरोल कीजिए और एक अद्भुत सफलता की यात्रा प्रारंभ कीजिए. आइए साथियों अब हम आगे चलते हैं और आज का काम शुरू करते हैं. बेहद व्यवस्थित ढंग से हम आप तक करंट अफेयर्स ला रहे हैं. Here is the very first part of the current affairs for today, the PT quick coverage. Shall we begin? My dear boys and girls, here we go. Rail IPOs will help earn the rupees 1 lakh crore target for Government of India. अर्थात रेलवे की दो कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मदद से भारत सरकार अपना 2017-18 का 1 लाख करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य पूरा कर लेगी. The year 2017-18 is not over yet for Deepam and MCA. Deepam and MCA, कितने प्यारे नाम हैं. MCA तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, हमने सुना है. यहां तो कुछ और ही दिख रहा है. सो सबसे पहला आज का आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, यू हैव टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दीपम एंड MCA इन द कमेंट थ्रेड. गो अहेड टेल मी. टू रेल कंपनीज IRFC एंड राइट्स, ये हैं दो रेल क्षेत्र की सरकारी कंपनियां. दोनों की जानकारी हमने इमीडिएटली आगे दे भी रखी है. इन दोनों कंपनियों का IPO लाने का इरादा है बहुत जल्द, अगले 1.5 महीने में. 1 लाख करोड़ के टारगेट में जो 7,500 करोड़ की अभी कमी चल रही है बजटेड फिगर्स के बाद, टू अचीव दैट द गवर्नमेंट इज मोस्ट लाइकली अबाउट टू सेल द स्टेक्स इन दीज टू एंड द रिस्पेक्टिव स्टेक्स इन IRFC एंड राइट दैट कुड बी डिसइन्वेस्टेड कुड बी 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली. तो सरकार की हिस्सेदारी का इतना भाग बेच दिया जाएगा बाजार में. द गवर्नमेंट इज सिटिंग ए नेट प्रोसीड ऑफ 9,400 करोड़, इसका मतलब 7,600 बचा है तब 1 लाख करोड़ का टारगेट अर्थात 1 ट्रिलियन रुपीज का टारगेट पूरा हो जाएगा. IRFC दरअसल एक बहुत ही बढ़िया निवेश होगा किसी के भी लिए. उसके एसेट्स 1,52,000 करोड़ रुपए हैं. आप उसकी ये बैलेंस शीट और ये बेसिक ऑपरेशनल डिटेल्स देखेंगे IRFC के, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के, तो मजा आ जाएगा. इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी सक्सेसफुल PSUs और एक टैक्स उनका डिस्प्यूट हाल ही में सेटल हुआ है जिसके बाद तो वो और अट्रैक्टिव हो गया है. सरकारी कंपनी होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, सरकारी मालिक है और सरकारी नीति निर्माता है. तो MCA ने हाल ही में एक बहुत बड़ा 6,000 करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट उसका खत्म कर दिया क्योंकि IPO लाना था. काश प्राइवेट सेक्टर के साथ ऐसा हो पाता. कुछ एक कंपनियां हैं जिन पर आरोप है कि ऐसा होता भी है भैया. सो इफ ₹7,500 करोड़ कैन नॉट बी मेड थ्रू दीज टू IPOs देन द गवर्नमेंट इज इवन लाइकली टू मेक फ्रेश ऑफर्स इन द भारत 22 ETF. हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट थ्रेड में वॉट इज भारत 22 ETF, समथिंग विच हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस ओवर द पास्ट 1 ईयर. दोज हु विश टू नो मोर अबाउट IRFC एंड राइट्स, हियर इट इज, Please go through it. And of course, here are the financials. Go through that as well. तो उम्मीद करते हैं सरकार को इसमें आशाती सफलता मिले, बहुत जरूरी भैया फिस्कल बैलेंस के लिए. आइए आगे चलते हैं पीटी क्विक कवरेज में. अब हम देखेंगे द फोर्टिस कंपनी प्रमोटर्स क्विट द बोर्ड. साथियों
मालविंदर सिंह एंड शिविंदर सिंह, दोनों भाई जो अरबपति हैं, उन दोनों ने हाल ही में अपनी कंपनी फोर्टिस हेल्थ केयर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है। दोनों भाइयों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे बड़े प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों भाई अरबपति भाई हैं दोनों, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। अभी देखते हैं। They have quit the board of Fortis Healthcare chain of hospitals in a new turn of events in the long-drawn corporate battle with the Japanese company Daiichi Sankyo. They left Fortis to free it from any encumbrances, yani ki bojh ya financial liabilities that may be created as the Delhi High Court has upheld. As the Delhi High Court has upheld an arbitration award granted to Daiichi, which blamed the Singh brothers of lying to it while selling Ranbaxy, a big pharma company, in 2008 at $4.6 billion. Ranbaxy was later sold to Sun Pharma. Saathiyon, 2008 mein, इन दोनों बंधुओं ने, मालविंदर और शिविंदर सिंह ने, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी जिसका नाम है रैनबैक्सी, जो बाद में सन फार्मा को बेची गई दाइची के द्वारा, को बेची लगभग $5 अरब में या $4.5 अरब में, विच वॉज अ ग्रेट ग्रेट सेल एट दैट टाइम। द कंप्लीट स्टोरी ऑफ रैनबैक्सी इज ऑल्सो गिवन इन द टाइम लाइन दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, आप इसको आराम से बाद में पढ़िएगा पूरी कहानी समझने के लिए। लेकिन बाद में दाइची को यह पता चला कि अमेरिका में दी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनके कुछ भारी झगड़े चल रहे थे लीगल, जिसकी वजह से दाइची को अरबों डॉलरों की चपत लग गई अमेरिका में। दाइची लेड द एलिगेशन एट द डोर ऑफ दीज टू ब्रदर्स दैट दे हैव हिडन द मटीरियल फैक्ट्स फ्रॉम दैट कंपनी, अदरवाइज दे मे नेवर हैव परचेज दैट कंपनी और दे मे हैव गिवन अ वेरी लो प्राइस। और वो झगड़ा बढ़ते 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 आर्बिट्रेशन में गया, यहां गया वहां गया, एंड फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट वगैरह ने, सिंगापुर के आर्बिट्रेशन ने अप्रूवल दे दिया, एंड फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड। सिंगापुर इज वन ऑफ द ग्लोबल सेंटर्स फॉर कॉर्पोरेट आर्बिट्रेशन, ध्यान रखिएगा, भारत बनने की कोशिश कर रहा है, अभी लंबी दूरी है वैसे, हमें बताइएगा आर्बिट्रेशन क्या होता है। और दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अब इनके लिए फोर्टिस छोड़ना इंपॉर्टेंट हो गया था, अदरवाइज वो सारा इनकम्ब्रेंस फोर्टिस के माथे आ जाता। ये कहानी है रैनबैक्सी, दाइची सांक्यो, सन फार्मा और फोर्टिस की। ये एक इवॉल्विंग स्टोरी है, इसमें आगे बहुत कुछ होने वाला है साथियों। फिलहाल तो आप इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के कोर्स में एनरोल करके इसका पूरा लाभ ले लीजिए। 5 सेशंस का ये कोर्स पूरा का पूरा ऑन हो चुका है विद अमेजिंग सेशंस दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स इन अ वेरी सिंपल वे। आइए आगे चलते हैं। राम जन्मभूमि केस एट द सुप्रीम कोर्ट, फाइनली हियरिंग इज ऑन इन फुल स्विंग। ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा लेड बेंच इज हियरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो यह सुनवाई कर रही है। आइए समझें। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं साथियों, यदि आपको अयोध्या से जुड़े इस मामले की संपूर्ण समय रेखा देखनी है, यू हैव टू रीड द फुल टाइमलाइन एंड द बेसिक समराइज इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर, जो लिंक हमने स्क्रीन पे दी है, यहां जाके इसे देख लीजिए। तो ये लिंक या तो आप ब्राउजर में टाइप कर लीजिए, और व्हेन यू डाउनलोड द पीडीएफ, हमारे पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे आपको पता ही है, इन केस यू आर न्यू, यू गो टू द करंट अफेयर साइट ca.pteducation.com, यू ओपन द रिस्पेक्टिव पेज वेयर यू हैव द होल सेशन, देन यू हैव द क्विज, एंड देन यू हैव द डाउनलोडेबल पीडीएफ, यहां से आप डाउनलोड करेंगे। इस फाइल में ये सारी लिंक्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होंगी, तो उस पर आप सिर्फ क्लिक कर देंगे तो ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे पूरी अयोध्या की टाइमलाइन है। बिल्कुल मत भूलिएगा, ये जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस हम आपको देते हैं ये आप ही के लिए बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं, तो मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो द 2010 ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट इज बीइंग कंटेस्टेड सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, तो सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर, ये बड़ा अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले ही दिन ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया that it is treating the entire matter purely as a land dispute and nothing else. क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने, ये भैया जो मामला हम तक आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश को आप लोग कंटेस्ट करते हो, आप लोग मानने से इंकार करते हो, और आपका कहना ये आदेश गलत है और आप हमारे पास आए हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात आप सभी पार्टी समझ लीजिए, हम इसे केवल एक भूमि की स्वामित्व का मामला समझ के ट्रीट करेंगे, न ज्यादा न कम। सो इफ यू हैव एनी अदर एक्सपेक्टेशंस प्लीज टेक अ वॉक। द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द 3-way डिवीजन ऑफ द 2.77 एकर डिस्प्यूटेड लैंड गिविंग 1/3 ईच टू द निर्मोही अखाड़ा सेक्ट, द सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द रामलला विराजमान, दैट इज द आइडल ऑफ रामलला देयर, जय श्री रामचंद्र की। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड अ स्टे इन 2011 ऑन इट एंड द मैटर इज बीइंग हर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो काफी ये गर्मा गर्म मुद्दा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन उस पर ठंडा पानी डालते हुए बोल दिया कि ये भूमि के स्वामित्व का मामला है, आप इससे आगे पीछे बिल्कुल मत सोचिए। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको यहां मिलेगी, टेक योर टाइम, डाउनलोड द पीडीएफ, गो थ्रू इट केयरफुली, और सेशन देखते वक्त भी जब दूसरी बार देखें तो पॉज करके फुल स्क्रीन करके इन इंफोग्राफिक्स को बारीकी से पढ़िएगा, बहुत अच्छी जानकारी। एंड ऑफ कोर्स यू विल वांट टू रीड मोर, सो यू विल गो टू दिस लिंक, यू विल क्लिक एंड रीड एवरीथिंग। इस तरह के एक्स्ट्रा रिसोर्सेस वी आर कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग, प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज देम। आगे चलें। बांग्लादेश एंड द बैटल ऑफ द बेगम्स,
अरे बहुत ही खूंखार लड़ाई है रे भैया, ये दो बेगमों की बांग्लादेश में। द हिस्टोरिक बैटल ऑफ द बेगम्स कंटिन्यूज इन बांग्लादेश। हमने हिस्टोरिकल नहीं लिखा है, हिस्टोरिक लिखा है। तो आपसे वोकैबुलरी का सवाल पूछ लूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल? अंग्रेजी के दो शब्द है साथियों, एक है हिस्टोरिक और एक है हिस्टोरिकल। हमें कृपया बताइए इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, और एक एक सेंटेंस बना के बताएंगे तो और मजा आएगा। माई डियर बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू रियली वॉन्ट टू डेवलप योर वोकैबुलरी इन अ वेरी स्ट्रांग वे, कम टू पीटी गुरुकुल एंड हियर इज द वोकैबुलरी डेवलपमेंट कोर्स। क्लिक इट ओपन एंड यू विल फाइंड एन ऑनलाइन कोर्स एज वेल एज अ पेन ड्राइव कोर्स। दोनों कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप एनरोल कीजिए। 50 सेशन का यह अद्भुत कोर्स आपको एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाएगा। बिना सोचे तुरंत एनरोल कीजिए और 3 से 4 महीने के भीतर आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस इंग्लिश को लेकर आएगा। ये पूरा कोर्स 50 सेशन का मैंने बनाया है। एक एक सेशन में हमने सैकड़ों शब्दों को बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से आप तक पहुंचाया है, बहुत मजा आएगा। मेक श्योर यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो द हिस्टोरिक बैटल ऑफ द बेगम कंटिन्यूज इन बांग्लादेश एट द कोर्ट हैज नाउ सेंटेंस अपोजिशन लीडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेगम खालिदा जिया टू 5 years रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर करप्शन। नॉर्मली साथियों, इवन इन इमर्जिंग नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, इस तरह की पॉलिटिकल राइवलरी बड़ी अनहर्ड ऑफ है, लेकिन बांग्लादेश में तो कुछ भी होता है। अब खालिदा जिया को 5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा हो गई है भ्रष्टाचार के लिए। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और वो हैं अवामी लीग की, और खालिदा जिया उनके धुर विरोधी हैं और वो हैं BNP की। शेख हसीना मैडम जो हैं, शी इज फ्रेंडली विथ इंडिया एंड शी बिलोंग्स टू द लेफ्टिस्ट एंड द सेक्युलर डिस्पेंसेशन, वेयर एज खालिदा जियाज इंक्लिनेशन इज टूवर्ड्स द इस्लामिस्ट। हेंस इंडिया इज कीपिंग वेरी साइलेंट ऑन दिस बिकॉज शेख हसीना's continuation as the president is prime minister is definitely in favor of India because of the huge risk of ISIS gaining a toehold in Bangladesh. समझ में आया फंडा पूरा? जिया, खालिदा जिया is 72 years old and a party BNP will protest nationwide. India supporting Sheikh Hasina's Awami League aware of the challenges posed by radical Islam and the page dangled by a powerful China. चीन अपनी बदमाशियों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। मालदीव्स में भयंकर बदमाशी करने पर उतर आया है कि भारत बिल्कुल दखल न दे। 1988 में चीन ने कुछ नहीं बोला, तब वो भी पिद्दी सा देश था, कमजोर देश था, वो भी चुप था। डेंग जियाओपिंग की तो नीति थी, ऑलवेज मेंटेन अ लो प्रोफाइल टिल योर टाइम कम, बट अनफॉर्चुनेटली देयर टाइम हैज कम। तो वो हर तरह से अपने डबल डिप्लोमेटिक गेम्स मालदीव्स में खेल रहा है, देखेंगे उसको। और यहां पर भी बांग्लादेश में अजीबो गरीब फाइनेंशियल ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स दे देकर उनको ललचा रहा है। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि एक फ्रेंडली शासक वहां बना रहे। शेख हसीना ऑफ अवामी लीग एंड खालिदा जिया ऑफ BNP, ये आपको यहां पे दिख रहे हैं साथियों। तो जैसा हमने आपको अभी बताया था, शेख हसीना मैडम और बेगम खालिदा जिया, इन दोनों के अपने अपने सोच, अपने अपने विचार हैं। ये बांग्लादेश का मैप है और ये विकिपीडिया से लिया हुआ स्नैपशॉट, द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1972 द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। 71 वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच इंडिया मेड और विच इंडिया हेल्प्ड द ईस्ट पाकिस्तान विन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। और 2010 के बाद तक, अभी तक जो सेक्युलरवादियों पर हमले वगैरह, उनको सीधे सीधे खड्ग से काट डालना वगैरह बहुत कॉमन है वहां पर, इस तरह की ये पूरी कहानी आप देखेंगे तो टाइटल से आप समझ जाएंगे विकिपीडिया के लिंक से कि वहां चल क्या रहा है। आगे चलते हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्शंस नाउ। आइए, उत्तर पूर्वी चुनावों का समय आ गया। भारत में चुनाव पर चुनाव पर चुनाव पर चुनाव पर चुनाव चलते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं साइमल्टेनियस करो, जिस पर ऑपोजिशन कह रही है बिल्कुल मत करो, बिकॉज इन द प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन ऑल द लोकल इश्यूज विल बी किल्ड बाय मोदी जी इज वेरी कैरिज्मेटिक स्टाइल एंड दैट वुड बी द डेथ ऑफ फेडरलिज्म। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपकी ओपिनियन हमने आपसे मांगी है साथियों, देते चलिएगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज अपील टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा टू डंप द माणिक जेमस्टोन सरकार, माणिक ने जेमस्टोन। तो प्रधानमंत्री ने वहां जाकर लोगों से बोला, अरे कई बार होता भैया गलत माणिक हाथ में आ जाता, बहुत नुकसान होता, 25 सालों से गलत माणिक पहना हुआ है तुमने, CPIM की तरफ इशारा था। एंड इंस्टेड गो फॉर द हीरा सरकार, हम आपको हीरा देंगे, हाईवेज, इंटरनेट, रोडवेज, एयरवे, बधाई हो त्रिपुरा के लोग, हीरा पहनोगे सब। ही प्रॉमिस BJP विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड सेड दैट इंडिया डजंट डेवलप इफ त्रिपुरा डजंट। काफी बड़ी बात बोल दी कि यदि त्रिपुरा का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास कैसे हो सकता है। इट वॉज टाइम फॉर 25 years ऑफ डार्कनेस टू एंड, द लाल सलाम विल एंड विद द फियर। लाल सलाम से आशय है कम्युनिस्ट विचारधारा से, क्योंकि कम्युनिस्टों का झंडा लाल होता है और यदि लाल सलाम खत्म होगा तभी जाके डर खत्म होगा।
प्रधानमंत्री महोदय के साथ में असम के एक बड़े नेता खड़े हैं। उन्होंने हाल ही में कैंसर पेशेंट्स के बारे में एक अद्भुत बात बोली थी, ऐसी बात कि सुन के सारे कैंसर पेशेंट शर्म से ही मर जाए। मतलब उस दुख और पीड़ा से तो वो बाद में मरेंगे, इनकी कही हुई बात सुनकर ही मर जाए, इस तरह की बात ये बोल गए थे। और आप इनसेट में देख रहे हैं माणिक सरकार जी, CPIM के। ये रहा त्रिपुरा का जिलावार मैप और वो रहा त्रिपुरा हमारे पूरे नक्शे में। और वो आप देख सकते हैं नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में बांग्लादेश के द्वारा लैंड लॉक्ड है। सो त्रिपुरा इज अ कंप्लीटली लैंड लॉक स्टेट एज यू कैन सी। तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, आपको एक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग बनाने में बहुत मदद मिलेगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस सीरीज, प्लीज लेट अस नो। एंड इफ यू रियली आर हैप्पी देन यू नो वेरी वेल व्हाट वी ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑफ यू ऑन द करंट अफेयर साइट, यू हैव टू राइट अ टेस्टिमोनियल फॉर अस। ये टेस्टिमोनियल की आप लिंक क्लिक करेंगे, टेस्टिमोनियल पेज ओपन होगा और आप हमारे लिए खूबसूरत सा प्यारा सा टेस्टिमोनियल, 5 से 10 मिनट लगते हैं लेकिन हमारी टीम बड़ी खुश हो जाती है भाई, टीम की खुशी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कैंसल्स ऑल गोवा आयरन ओर माइन लाइसेंसेस। अरे ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, घटना कहें या दुर्घटना। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में लौह अयस्क खनन के सभी खदानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। कहानी बहुत मजेदार है। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्वाश्ड द सेकेंड रिन्यूअल ऑफ आयरन ओर लाइसेंसेज माइनिंग लीजेस गिवन टू 88 कंपनीज इन गोवा इन 2015। इट डायरेक्टेड द सेंटर एंड द गोवा गवर्नमेंट टू ग्रांट फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस टू देम एंड नॉट जस्ट डायरेक्टली रिन्यू इट। द स्टेट गवर्नमेंट वाज ऑब्लिज्ड टू ग्रांट फ्रेश माइनिंग लाइसेंसेस अकॉर्डिंग विद लॉ इन व्यू ऑफ इट प्रीवियस जजमेंट, नॉट सेकंड रिन्यूअल टू माइनिंग लीज होल्डर। तो मनोहर पर्रिकर साहब की बेहद साफ सुथरी सरकार ने क्या कमाल कर दिखाया, उन्होंने सेकेंड रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लीज होल्डर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर यह है कि आपको फ्रेश माइनिंग लीजेस एज पर द लॉ देना होगा। उसको दरकिनार करते हुए पर्रिकर जी ने सेकेंड रिन्यूअल डायरेक्टली कर डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ उड़ा दिया। द माइनिंग लीज होल्डर्स हु हैव बीन ग्रांटेड अ सेकेंड रिन्यूअल इन वायलेशन वर ग्रांटेड टाइम टू मैनेज देयर अफेयर टिल 15th of March। तो ऐसा है भैया, हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य में अपना अपना काम कर जाता है। आयरन ओर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया, भारत में कहां कहां लौह अयस्क के भंडार हैं एक बार देखिए ध्यान से। एंड द डस्टी ट्रेल ऑफ दिस गोवा आयरन ओर माइनिंग, सन 2012 से लेकर लगातार अभी तक की क्या कहानी है, और एक्सपोर्ट्स वहां से कितने आयरन ओर के मिलियन टन्स में हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 2010-11 में तो धूम मचा दी थी। और जो लोग गोवा में रहते हैं, आप में से कितने रहते हैं, आप लोगों ने तो इसकी तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा है। आई एम अ रेगुलर विजिटर टू गोवा, हर साल में एक बार छुट्टी बनाने गोवा जाता हूँ, और विशेष तौर पर वहां पर एक नेशनल पार्क है जहाँ यह सब माइनिंग होती है। वी मेक इट अ पॉइंट टू विजिट दैट प्लेस। वी वर हॉरिफाइड टू सी ईयर ऑन ईयर द डिवास्टेशन ऑन द हाईवे दैट वॉज बींग रॉट। पूरे लाल पड़ जाते हैं हाईवे, क्योंकि वो हजारों ट्रक आगे पीछे चलते रहते हैं। तो गजब का वो समय था, और उसके बाद बैन तो लगना ही लगना था। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ आयरन ओर माइन लाइसेंसेस। कॉर्पोरेट लॉबीज बड़ी स्ट्रांग होती हैं, अच्छी अच्छी सरकारें झुक जाती हैं भाई, कहने की बातें अलग होती हैं। करंट अफेयर समीक्षा में आगे चलते हैं न्यूज मेकर्स पर। ये रहे हमारे आज के न्यूज मेकर्स, इन्होंने खबरों में सुर्खियां बनाई। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति पुनः खबरों में आ गई है। AIJASS For announcing to block the motorcycle rally of Amit Shah, BJP Supremo on 15 February in Jind, Haryana by bringing 50,000 tractors. अगर वो हेलीकॉप्टर से भी आए तो वहां से सभा स्थल तक हम जाने ही नहीं देंगे, इतने ट्रैक्टर रास्ते में लगा देंगे। नेचुरली इनकी मांगे उसी आरक्षण आंदोलन से संबंधित जिसमें FIR हुई, FIR वापस लेने की भी बात हुई, ये लोग उससे खुश नहीं है। वो पूरा का पूरा मामला अपनी जगह उलझा हुआ है। साथियों इसे आप थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा। तेरी अकड़ मेरे पैर की धूल, हम जाट हैं बेटा ये मत भूल। ठीक है जी, नहीं भूलेंगे। और आगे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है, जाट्स कौन हैं और देश में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो पूरी जानकारी यहाँ है। फैक्चुअली इसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, जीके के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा। आइए आगे चलते हैं, वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। मनोहर पर्रिकर साहब द एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। आपने खबर बनाई, इनका एक हिस्सा तो हमने अभी देखा खबर का। फॉर बीइंग इन द क्रॉसवेज ऑफ इररेगुलर माइनिंग लीज रिन्यूअल्स इन गोवा दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज एनल्ड, ही अश्योर द कंपनी दैट इन 6 मंथ्स फ्रेश माइनिंग लीजेस विल बी गिवन। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा डरो मत, घबरू ना का, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कारण ही नहीं है घबराने का, तो घबरू ना का।
हैप्पी डेट नो करप्शन चार्ज वॉज लेवल अंडर माई टेन्योर एज डिफेंस मिनिस्टर। बहुत बढ़िया बात है सर। और ये गोवा के सारे जिले हैं, सारे गोवा के जिले ध्यान से देख लीजिए, कितने लोग गोवा एज अ टूरिस्ट गए हैं बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत है, इजरायली और रशियन टूरिस्ट बहुत आते हैं, कई कई जगह तो केवल रूसी और इजरायली भाषा का ही प्रयोग होता है गोवा में, है ना, मजेदार बात ना भैया, ऐसा ही है। कौन से थे वो पहले क्रिश्चियन फादर जो गोवा आए थे पोर्चुगीज के साथ में और जिन्होंने तांडव मचा दिया था हिंदुओं के साथ, 16वीं 17वीं सदी की बात कर रहा हूं, कौन थे नाम बताइएगा। आगे चलें, ताज ट्रिपीजियम जोन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीके पर्सपेक्टिव, TTZ। फॉर द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द योगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एज टू हाउ एंड व्हाई इज अ सडन रश ऑफ एक्टिविटी सीन इन दिस 10,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड द ताजमहल। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि भैया ये बताइए कि अचानक से 10,400 वर्ग किलोमीटर के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में इतनी गतिविधि कैसे शुरू हो गई, न्यू लेदर इंडस्ट्रीज, न्यू होटल, जबकि सब पे तो बैन है। तो ताज ट्रेपेजियम जोन ये है, जितने लोग मैथ्स में ज्योमेट्री से भागते रहे, सॉरी बेटा ट्रेपेजियम तो पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है ट्रेपेजियम जरा परिभाषा दे दो, और कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो भी बताओ हमें कमेंट में। आज मैथ्स पढ़ेंगे यार आपके साथ, मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स मेरा फेवरेट टॉपिक था यार हमेशा। तो बताइए कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं हमें बताइएगा, और ये है ताज ट्रेपेजियम जोन। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा एंड भरतपुर में एक राजस्थान का भी जिला है जहां पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बनाए हुए TTZ में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लागू हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों में बड़ी तेजी से लेदर इंडस्ट्रीज और होटल्स खुलते जा रहे हैं। क्या बात है, ताज को पीला करके ही छोड़ेंगे मुझे लगता है ये बेचारा ताज। वैसे एक बहुत खूबसूरत गीत है, जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिलने शमा जला कर ताजमहल में आ जाना तुम। बहुत खूबसूरत है, सॉरी आपको मैंने गा के बोर किया, लेकिन क्या करूं, बीच बीच पे गुनगुनाने की आदत है। मेरा गीत कैसा लगा बताइएगा, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना, बहुत ही खूबसूरत गीत है। ताज ट्रेपेजियम जोन, इसके बारे में जिसे भी पढ़ना है डिटेल जानकारी हमने यहां दी है, पढ़िए पढ़िए और खुश रहिए। नर्मदा रिवर न्यूज में आ गई, नर्मदा मैया जिसे रेवा माता भी कहते हैं। For there are reports that Gujarat is likely to face a massive water shortage now due to poor rainfall in Narmada catchment in Madhya Pradesh. साथियों, हर नदी का अपना कैचमेंट क्षेत्र होता है, अर्थात वो क्षेत्र जहां नदी गिरी हुई हर बूंद को सोख लेती है और वो नदी का हिस्सा बनती है। यहां पर आपको ये पूरा नदी का नर्मदा बेसिन दिख रहा है जो उसका कैचमेंट एरिया होगा, जहां पे गिरा हुआ सारा पानी इस नदी का हिस्सा बनेगा। नर्मदा इज वन ऑफ द थ्री रिवर्स दैट फ्लोस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रादर देन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज द नॉर्मल नॉर्म विद ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो कौन सी तीन नदियां हैं नर्मदा को मिलाकर, तीनों के नाम कॉमेंट में बताइएगा। तो नर्मदा रिवर के साथ स्थिति, आज पटाखे बड़े फूट रहे हैं हमारे स्टूडियो के बाहर, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है हमारा सेशन, एंजॉय कीजिए आप भी। तो गुजरात में पानी की बहुत भारी शॉर्टेज होने वाली है क्योंकि मध्य प्रदेश में पानी कम गिरा है नदी में। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस इट विल नॉट सपोर्ट इरिगेशन फैसिलिटी, सरकार ने साफ साफ कह दिया कि आगे पानी देने के लिए है ही नहीं। लेकिन इलेक्शन के दौरान नर्मदा फेस्टिवल में बहुत सारा पानी गुजरात में रिलीज हो गया था और अब तो पानी देने के बहुत ही ज्यादा कठिन समस्या आ गई है। तो नर्मदा बेसिन और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जुड़ी ये स्थितियां हैं, हमने आपके लिए लेटेस्ट न्यूज भी वहां अपडेट की है, आराम से इसको पढ़िएगा। मेक श्योर यू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू गो थ्रू ऑल दिस बिकॉज ओनली देन विल यू बी एबल टू गेट अ वेरी वेरी फर्म ग्रिप। ऑल दीज टॉपिक्स रिक्वायर एक्स्ट्रा रीडिंग, रिमेंबर दैट। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दिस इज द लिंक दैट यू शुड गो टू। तो इस लिंक को ओपन कैसे करें, अरे भाई PDF डाउनलोड कीजिए, साइट पर आइए ca.pteducation.com पर, वहां पे जब आप आज का कंटेंट खोलेंगे और आज का PDF डाउनलोड करेंगे, कितने लोगों ने अभी तक के सारे PDF डाउनलोड किए हैं ये भी यार कंफर्म करो, जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसमें आपको ये लिंक ऑटोमेटिकली इनेबल्ड ही मिलेगी, उस पर क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा। 5-7 सेकंड का समय दीजिएगा, बहुत अच्छा रिसोर्स पेज है, इसे यूज कीजिएगा। इस तरह के रिसोर्स पेजेस आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया नर्मदा का, आइए आगे चलते हैं। सोनिया गांधी आप खबरों में थी फॉर क्लेमिंग दैट राहुल गांधी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस is now her boss also, so that's a very good example of leadership. Mother is stepping aside and helping the son establish her leadership credentials fully. ye bahut zaruri hota hai. She addressed the party members of parliament at the Congress parliamentary party meeting in the parliament saying that 2019 will be fought against the BJP by like minded parties. dear sathiyon, ek cheez to badi kamal ki hui hai, jab se rahul baba ke haath mein congress ki kamaan aayi hai,
अचानक से उनकी मैच्योरिटी का लेवल ही बढ़ गया है। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके दिए हुए वक्तव्यों को अगर कोई देखे तो पहले वाले राहुल बाबा में और इस वाले राहुल बाबा में तो अचानक से अंतर दिखता है। कई लोग तो अभी भी कहते हैं, कह रहे हैं कहाँ अंतर और काहे की मैच्योरिटी। लेकिन हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि काम के बोझ से और जिम्मेदारियों के बोझ से एक परिवर्तन इंसान में हमेशा आता है, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन शायद आ रहा है। खैर, बहुत लंबी रेस है और बहुत तगड़े प्रतिद्वंदी से उनका पाला पड़ा है, कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। इंटरेस्टिंगली, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड्स, मोर देन 100 MPs ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव गिवन अ मेमोरेंडम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आस्किंग फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इन द सस्पिशियस डेथ ऑफ जस्टिस ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोया। 100 से अधिक सांसदों ने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को कि एक स्वतंत्र जांच हो कि जस्टिस लोया की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लाइटनिंग रॉड बन के निकलेगा। सोनिया जी की बड़ी लंबी यात्रा भारत की राजनीति में रही है, बहुत भयंकर अपोजिशन हुआ है उनका। लेकिन मैं एक चीज के लिए उनको बहुत जबरदस्त क्रेडिट देना चाहूंगा, 1997-98 से लेके जो कांग्रेस की कमान उन्होंने 20 साल संभाली, उन्हीं की वजह से कांग्रेस एक पार्टी बनी रही। यू मे रियली डिसलाइक हर पॉलिटिक्स, यू मे रियली डिसलाइक द फैक्ट दैट शी हैज फॉरेन ओरिजिन, वॉट एवर इट इज, बट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, क्रेडिट इज ड्यू। आइए आगे चलते हैं। आधार ऑफ UIDAI, यार पीछा ही नहीं छोड़ता। आधार ऑफ UIDAI फॉर द सुप्रीम कोर्ट एज एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द एक्सक्लूजन अंडर आधार ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स एज पर कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल कम्युनिकेशन एज लेट एज दिसंबर 2017। तो ये कम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में लगा, वकीलों ने बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिसंबर तक अगर कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल तक ये कम्युनिकेशन जा रहा था, मतलब निश्चित तौर पर द वल्नरेबल ग्रुप बहुत से ऐसे भेद्य समूह थे जिन तक आधार पहुंचा ही नहीं हो, जो सीधे सीधे एक्सक्लूड हो गए हैं। आधार अंडर अटैक, विच आर द डिफरेंट पार्टीज दैट आर नॉट हैप्पी विद द आधार एंड वॉट आर द वेरियस चार्जेस अगेंस्ट आधार, प्लीज गो थ्रू द इन्फोग्राफिक। एंड एडवर्ड स्नोडन ऑफ NSA विसल ब्लोअर फेम हु इज लिविंग इन रशिया हैड टॉर्न अपार्ट UIDAI's क्लेम्स व्हेन दे हैड फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट द जर्नलिस्ट दैट हैड एक्सपोज्ड द लूपहोल्स इन आधार। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आर्मी ऑफिसर आदित्य कुमार, बड़ा दुख होता है साथियों देखकर, हिज फादर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट करमवीर सिंह, कारगिल वेटरन है वो, कारगिल के युद्ध में भाग लिया हुआ है, उनका बेटा है आदित्य, हैज मूव द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग द क्वाशिंग ऑफ FIR अगेंस्ट आदित्य इन अ फायरिंग इंसिडेंट पोस्टोन पेल्टिंग इन द शोपियां डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कितने दुख की बात है साथियों, कैसे देश में हैं हम। हमारी सेना के अफसर पर FIR होती है कि वो पत्थरबाजों से अपने जान माल की और अपने सैनिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए गोली चलाते हैं, कुछ लोगों की बहुत दुखद मृत्यु होती है। हर इंसान की मृत्यु दुखद है, देर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट एनी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑलवेज ट्रेजिक फॉर दैट फैमिली, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट ट्रेजिडी। बट इन दिस स्ट्रेटेजिक इशू, हाउ कैन यू फाइल एन FIR अगेंस्ट द आर्मी, वॉट काइंड ऑफ अ जोक इज गोइंग ऑन, एंड इट्स अ TDP BJP गवर्नमेंट देयर, लेस सेड द बेटर। जम्मू एंड कश्मीर की संपूर्ण प्रोफाइल सेंसस ऑफ इंडिया से हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा, बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं इसमें। पॉपुलेशन साइज जो बताया गया था उसके अंदर साथियों 1,25,41,000 ऑफिस 66 लाख मेल 59 लाख फीमेल, और ये सेंसस की बाकी जानकारी भी है, इसे बारीकी से जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में देखिएगा। आइए आज का आखिरी न्यूज मेकर देखें, चाइना एंड मालदीव्स। ये जो बदमाश चीन है ना, ये देखो भाई, ये सुधरने वाला नहीं है, ये दोगला है नंबर एक का, और आप किसी पे भी भरोसा कर लेना, चीन पे मत करना। फॉर चाइना हैज ऑफर्ड मीडिएशन टू सॉल्व द क्राइसिस इन मालदीव्स रिजेक्टिंग इंडियन एंड यूएन इंटरवेंशन, मतलब मैं ही करूंगा, तुम इंडिया तो तुम बाहर रहो, यूनाइटेड नेशन तुम भी बाहर रहो, चाइना करेगा क्योंकि चाइना पीस लविंग नेशन है और रूल बेस्ड नेशन है और हम ही हैं, तुम कौन हो, तुम सब इलीगल हो, हट जाओ। सच ड्यूप्लिसिटी इज अ Absolutely unparalleled. Of course, they are paralleled only by the great old America. China is in touch with all the parties, China says. An ex-president Nasheed wants an urgent Indian intervention. लेकिन भारत जितना एक एक दिन अब देरी करता जाएगा उतना मुश्किल होने वाला है, अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था। दिस वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, बट देन आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट नोज वॉट इट इज डूइंग एंड दे नो मच मोर देन वी डू, सो देयर मस्ट बी सम प्रेसिंग रीजंस फॉर नॉट हैविंग डन दैट। पिछले सभी प्रमुख राष्ट्रपतियों की सूची आपके सामने है, 10-10, 20-20, 30-30 साल राज करने की वो आदत है। मोहम्मद नाशीद साहब प्रो इंडिया है, अब्दुल्ला यामीन पूरी तरह से प्रो चाइना है, FTA करके बैठे हुए हैं चाइना के साथ। कौन सा है दूसरा दक्षिण एशियाई देश जिसने FTA किया है चीन से, उसका नाम बताइएगा। और ये पूरी कहानी है 2013 के चुनाव की, जिसमें
आप देख सकते हैं पहले राउंड में नाशिद साहब जीत गए, तो इलेक्शन को ही कैंसिल करवा दिया अब्दुल्ला ने, और दूसरे राउंड में वो जीत के आगे आ गया। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही करते रहना, आप छा जाओगे विश्व पटल पर, क्या बात है। आई होप यू हैव एंजॉयड द न्यूज मेकर ऑफ द डे। मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द पीडीएफ एंड गो थ्रू इट केयरफुली, बिकॉज दैट्स वेयर यू लर्न करंट अफेयर्स। समीक्षा में इंपॉर्टेंट न्यूज इंडिया पर आते हैं। गूगल फाइंड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर बायस सर्च रिजल्ट गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन। भारत में एक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग है साथियों, जिसने गूगल पर बहुत भारी दंड 135 करोड़ का लगा दिया। ये दंड गूगल एक हफ्ते में कमा के भर देगा। गूगल के रेवेन्यूज का जनरली नॉर्मली लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि गूगल एक कितनी बड़ी कंपनी बन चुका है। बट एनीवे, अब बायस सर्च इंजन, आरोप यह है कि ये बहुत ही बायस्ड है पूरा सर्च इंजन और सारे रिजल्ट्स मैनिपुलेटेड है। वेल, दिस इज हिस्टोरिकली नोन फैक्ट, और यूरोप में तो $3.25 अरब का ये दंड ऑलरेडी भर चुका है गूगल। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्लैम गूगल फॉर इट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दैट फोर्स पार्टनर्स टू नॉट टेक कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, ये एक और चीज, एंड प्लेस इट्स ओन सर्विसेज साइड प्रोमिनेंटली सर्च रिजल्ट एडवर्सली अफेक्टिंग अदर बिजनेसेस। तो एक तो आपने जो आपके साथ जुड़े उनको बोला कि किसी और की सर्विसेज मत लीजिए, मतलब बिंग की, इसकी, उसकी, और आप अपने ही रिजल्ट को सबसे ऊपर ले आते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पेज रैंक एल्गोरिदम आर यू यूजिंग इफ द होल थिंग इज फिक्स्ड? तो यदि सब कुछ फिक्स्ड है तो फिर आप कर क्या रहे हो भैया? ₹135.86 करोड़ फाइन, 135 करोड़ 86 लाख का दंड लगाया गया, 5% ऑफ द रेवेन्यूज, ये लॉजिक रहता है इनका। द फाइन ऑफ 135 करोड़ इज प्यूनी गिवन द साइज ऑफ गूगल ग्लोबल एम्पायर एंड मोर देन 80% शेयर इन सर्च बिजनेस। तो ये तो एक डेढ़ हफ्ते में वो कमा के भर भी देगा। बट द पॉइंट इज नॉट दैट द फाइन इज वेरी स्मॉल, द पॉइंट इज मेड दैट गूगल इज अब्यूजिंग इट डोमिनेंट पोजिशन इन सर्च, एंड नाउ द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इवन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स कैन बी ब्रॉट टू देयर नीज यूजिंग द लॉ। द कॉम्पिटिशन कमीशन हैज वॉर्न गूगल टू स्टॉप ऑल सर्च प्रैक्टिस। यूरोप में ये गूगल बहुत डर के रहता है, भारत में क्योंकि सरकार गूगल को बोलती है प्लीज रेलवे पे वाईफाई हॉटस्पॉट लगा दो, तो गूगल शेर बन के चौड़ा बन के घूमता है। जिस दिन भारत सरकार ने गूगल को दो थप्पड़ लगाए और ये बोला कि चुपचाप ये करो ये करो, नहीं तो ये 1 लाख करोड़ का फाइन लगाएंगे, एक सेकेंड में गूगल ट्रैक पर आ जाएगा। आई यूज क्रूड लैंग्वेज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दैट पॉइंट। आई फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग दैट अवर गवर्नमेंट दे टोटली जेन्यूफ्लेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज कंपनीज, गूगल, फेसबुक, अमेजन, अलीबाबा, मानो वो भगवान है। चीन में अमेजन किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और चीन छोड़ के भाग गया, भारत में उसकी आरती उतारी जाती है। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ऐसा राजनीतिक नेतृत्व हमें चाहिए जो इससे मौजूद खतरे को भांप सके और इन लोगों को इनकी जगह दिखा सके। अभी फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा, अगर दिखे आपको तो आप हमें बताइए। कैलकुलेशन ऑफ पेनल्टी, द पेनल्टी इज 5% ऑफ टोटल रेवेन्यूज ऑफ गूगल इंडिया ऑपरेशन ओवर 2013-14-15। इनका वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू साथियों $78 बिलियन, $1 बिलियन इज ₹6,500 करोड़। यूरोपियन यूनियन ने 2017 में मार्गरीट वेस्टिगर कॉम्पिटिशन कमिश्नर $2.7 बिलियन का फाइन लगा दिया था और गूगल ने पैसा दे दिया है। द इन्वेस्टिगेशन सीसीआई डायरेक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन टू बोथ गूगल इंडिया एंड गूगल आयरलैंड, लेकिन गूगल आयरलैंड के साथ लिंक बन नहीं पाई और सर्प में कहा गया। तो साथियों ये बताइए पेज रैंक एल्गोरिदम क्या होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल अस इन द कमेंट थ्रेड व्हाट एग्जैक्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ हैज बीन द जर्नी ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स, डू लेट अस नो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब बुरी खबर यह है दैट द नेक्स्ट स्टेप इज नॉट गोइंग टू बी इजी। द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 7 ईयर्स ऑफ सीसीआई इज वेरी बैड, मोस्ट ऑफ देयर ऑर्डर्स हैव बीन स्टक इन द लीगल लॉग जैम ऑफ इंडिया और हार्डली एनीथिंग कम्स आउट ऑफ इट, वो एक अलग कहानी है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडिया न्यूज, इंडिया न्यूज नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बहुत बड़ी खबर है साथियों ये तो, आधार डिबेट रेजिंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 1947 के बाद का, कपिल सिब्बल साहब के शब्दों में, अभी तक का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ा जा रहा है और वो ये है कि आधार एक्ट संवैधानिक है भी या नहीं। द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जजों की यह संवैधानिक पीठ है। द रिगरस डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द आधार एक्ट 2016 इज विटनेसिंग ऑल कंसीवेबल लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट। साथियों क्या आधार अधिनियम, जिसको मनी बिल बना के सरकार पास करा के ले गई लोकसभा से, क्योंकि राज्यसभा से दखल नहीं रहता, और अगर राज्यसभा में वो जाता एज ए नॉर्मल बिल तो वो कभी पास ही नहीं हो पाता या उसमें बहुत बड़े संशोधन आ जाते। सो इज द आधार एक्ट ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल? सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन एंड मे बी द सुप्रीम कोर्ट विल से इट इज नॉट, हैंस स्क्रैप। तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी भैया आधार की, सब कुछ वॉलंटरी हो जाएगा। The West Bengal government said that one nation, one identity is not acceptable and it has nothing to do with our Indianness. बहुत अच्छा लॉजिक था, हमारी भारतीयता को ये लोग वन नेशन वन आइडेंटिटी से बांध कर हम सबको बांध देना चाहते हैं। इफ आई एम एन इंडियन हाउ कैन यू फोर्स मी टू अज्यूम दैट वन आइडेंटिटी बिकॉज माई आइडेंटिटी कैन गो बियॉन्ड दैट। बट द सुप्रीम कोर्ट सेड इसमें प्रॉब्लम क्या है तो बात खत्म। सेकेंड, सिटीजन्स आर मोर देन द आधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। नागरिक
आधार से ज्यादा कुछ होते हैं। यह सरकार साबित करने में लगी है कि इंडियन सिटीजन इज इक्वल टू आधार, दैट इज इट। यदि आपके पास आधार नहीं है, यू आर अ बिग जीरो। इफ यू हैव आधार देन एंड ओनली देन यू आर अ सिटीजन। कपिल सिब्बल हैज आर्ग्यूड दैट सिटीजन्स ऑफ इंडिया मोर देन द आधार आइडेंटिटी। दे कह रही अगर मेरे पास आधार है तो मैं नागरिक हूं, अदरवाइज मैं तो कुछ हुई नहीं। ये बहुत गलत सोच है। एवरीथिंग इज बीइंग रिड्यूस्ड टू दैट वन थिंग एंड इट इज नॉट गुड एट ऑल। द यूके स्क्रैप्ड अ सिमिलर बायोमेट्रिक सिस्टम अपॉन रियलाइजिंग इट्स वल्नरेबिलिटी। ये काफी मजबूत तर्क है साथियों। ब्रिटेन ने इसी तरह का बायोमेट्रिक व्यवस्था लाई थी, लेकिन उसमें मौजूद बहुत सारी कमियों और भेद्यताओं को देखते हुए और एक सेंट्रलाइज सिंगल पॉइंट अटैक टारगेट वो बन जाता हैकर्स के लिए देखते हुए, यूके हैज स्क्रैप्ड द कंप्लीट प्रोजेक्ट। The UIDAI system are very vulnerable. साथ ही साथ सारे वकील ये कह रहे हैं कि भैया ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत विशिष्ट प्राधिकरण, पहचान प्राधिकरण, ये सब कुछ बहुत वल्नरेबल है इनके सिस्टम। और वो कहते हैं ये फेडरेटेड है, डेटाबेसेस आर ब्रोकन, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट मल्टीपल प्लेसेस, भगवान जाने क्या होगा। वैसे कमांडो लगा दिए हैं मेन सर्वर के ऊपर उन्होंने, मेन डेटा सेंटर पे। कमांडोज किसी को घुसने देंगे नहीं साथियों। द लीगल एंगल्स फ्रॉम द फेडरल एंगल आधार अटैक्स इट डायरेक्टली एंड द वल्नरेबल आर द वर्स्ट इंपैक्टेड एज दे आर इमीडिएटली एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आइदर देयर बायोमेट्रिक्स आर नॉट गेटिंग अप्रूव्ड और दे आर जस्ट नॉट एबल टू इवन रीच द आधार ऑथेंटिकेशन सेंटर। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच एट दावोस, अब इसको इन्होंने बहुत बढ़िया पकड़ लिया। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच एट दावोस वॉज कोटेड बाय द लॉयर सेइंग दोज हू कंट्रोल डेटा विल कंट्रोल द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ये कह गए कि जिनके हाथ में डेटा होगा वो विश्व के राजा होंगे। तो भारत में सरकार के हाथ में आधार है तो सरकार क्या हमारी राजा बनने का सोच रही है? सो इज आधार बीइंग मेड टू कंट्रोल द सिटीजंस, आधार हैज बीन रिड्यूस जस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टेट। बहुत अच्छा पैरा है ये, बहुत बारीकी से सोचिएगा। एंड यू मे बी अ टोटल आधार सपोर्टर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन रिजेक्ट ऑल दीज आर्ग्यूमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एज एन एजुकेटेड पर्सन हैव द हार्ट एंड द माइंड टू लिसन टू कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस 1947। और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई कुछ करता है। अब आप लेटेस्ट यूआईडीए की साइट से हमने जो डेटा लिया देखिए, कल इस साइट पर 83 लाख लोग आए और साइट तो क्रैश हुई नहीं। पिछले हफ्ते लगभग 10 करोड़ लोग इस साइट पर आए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और यूआईडीए खबरों में तो फिर ईवे बिल कैसे कोलैप्स हो गया 8 लाख लोगों के आने पर। भैया आप देखिए एक एक करके नीचे यूआईडीए न्यूज में कैसे आधार हर तरफ घुसता जा रहा है। खतरा यही है, उस एक चीज पे आपने सब कुछ बांध दिया है, सिटीजन्स की आइडेंटिटी तबाह हो जाएगी इसमें। बिकॉज इफ यू लूज द आधार फॉर वॉट एवर रीजन, यू आर फिनिश्ड, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल। अच्छा, मजे की बात है कि सरकार ये सब करते करते पैरेलल एक ही चीज बोलती है, इट इज वॉलंटरी, it is voluntary. Who says it is mandatory? It is voluntary. It is voluntary. And this happens only in India. Economic survey budget का हमारा शानदार कोर्स आपका इंतजार कर रहा है माइक्रो लेवल लर्निंग के लिए। यूनियन बजट के इस कोर्स में गुरुकुल पर आकर एनरोल कीजिए और बेस्ट एजुकेशन लीजिए। एक से बढ़कर एक कोर्सेज, सिर्फ इंग्लिश इज योर प्रॉब्लम, वो कैप कोर्स इज द बेस्ट सोल्यूशन। ब्रॉट टू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटी दाइस एकेडमी। इंपॉर्टेंट न्यूज वर्ल्ड में चलते हैं साथियों। बांग्लादेश बैटल्स ऑफ द बेगम्स गेट्स डर्टी, बहुत ही बड़ी खबर है और इसको हम हिस्ट्री से कनेक्ट करके आपको बताएंगे। तो समझें द डिटेल्स। बांग्लादेश कोर्ट हैज सेंटेंस ऑपोजिशन लीडर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया टू 5 years इन जेल आफ्टर कन्विक्टिंग हर ऑफ एम्बेजलिंग मनी मेंट फॉर एन ऑर्फनेज। करप्शन के आरोप में उनको पकड़ के 5 साल कैद बामुशक्कत जेल में ठूंस दिया गया है। दिस सीम टू बी अ मोटिवेटेड चार्ज एज इट ऑफन द केस इन द वोलेटाइल बेगम राइवलरी पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले 20 सालों से लगातार एक बेगम बनाम दूसरी बेगम की ये बहुत ही भयंकर और खूनी लड़ाई है। इनके सपोर्टर्स की आपस में हिंसक मौतें होना बहुत कॉमन बात है साथियों। In that context, I really appreciate the politics of India. Despite being so big, despite being so competitive, the transfer of power mostly is very, very peaceful. In that context, we are the only bright, shining example in the world. Internally, we may be corrupt. Internally, the electoral politics may be corrupt. Internally, the politics may be dominated by the corporates who are running the whole thing from behind the curtains, whatever. But when unexpected results arrive, despite all these manipulations, alleged manipulation, the transfer of power happens very, very peacefully, and that is the name of the game. ये दूसरे देशों में नहीं होता है, आप देख लीजिए। चीन को तो पता ही नहीं है चुनाव क्या होते हैं। Right from independence, current Prime Minister Sheikh Hasina and the ex-Prime Minister Khalida Zia are both related to former national leaders.
1971 की स्वतंत्रता मिलने के पश्चात से जो बड़े बड़े नेता रहे ये उन्हीं के घरों से आई हुई महिलाएं हैं एंड दे हैव डोमिनेटेड बांग्लादेश पॉलिटिक्स फॉर मोर देन 20 इयर्स नाउ और बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है. व्हाट नेक्स्ट? खालिदा जियाद इंप्रिजनमेंट विल नॉट अलाउ हर टू कंटेस्ट इलेक्शन. तो दिसंबर 2018 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें खालिदा जिया चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगी, जैसा कि पिछले चुनाव में भी नहीं लड़ पाई थी. आप देखिए बीएनपी का नाम ही नहीं है, तो वो एक तरफा अवामी लीग जीत के निकले चली जा रही है क्योंकि बॉयकॉट किया था बीएनपी ने. अब ऐसी जीत भी कोई जीत है भाई? Zia is 72 years of age and Sheikh Hasina is 70 years of age and both of them are called the battling begums. Yani aapas mein ladti hui begme for the bitter rivalry aur ye zeher hai pura ka pura rajneeti ka. History: since 1991 when Khalida first became prime minister, the office has swung between these two begums. Hasina, Sheikh Hasina is the daughter of Mujibur Rahman. ये स्वतंत्रता के सबसे बड़े नायक थे और एक मिलिट्री संघर्ष में तख्तापलट में 1975 में मिलिट्री के सैनिकों ने इनके पैलेस में घुस के इनको और इनके लगभग पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला था. खालिदा जिया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द वाइफ ऑफ जिया उर रहमान एन आर्मी ऑफिसर हु वाज द कंट्रीज फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम 77 to 1981. उनकी भी हत्या हुई थी. और दरअसल हुआ यह था कि मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान ये दोनों ही सत्ता में रहते हुए पूरी तरह से डिक्टेटोरियल हो गए थे और हिंसा का ही सहारा लेते थे मामले को खत्म करने के लिए. वही ट्रेड्स दोनों बेगमों में आए हैं. लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि शेख हसीना पूरी तरह से एंटी रेडिकल इस्लाम होने की वजह से भारत को उन्हें सपोर्ट करना बहुत बड़ी मजबूरी है. डिटेल्स इस स्लाइड पर हैं, पढ़ लीजिएगा. डिटेल में समय दीजिए, पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया वी हैव ब्रॉट ऑल दिस फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. भारत की आर्थिक समीक्षा से हम ये आपके लिए लेकर आए हैं. साथियों ये कोर्स आप जरूर गुरुकुल पर एनरोल कीजिए, बहुत बढ़िया साल भर की आपकी लर्निंग होगी. आरएनडी एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं, भारत में कुल आरएनडी एक्सपेंडिचर कितने करोड़ रुपए का चल रहा है आपके सामने है. साथियों 2016-17 में आपके सामने आरएनडी एक्सपेंडिचर की टोटल वैल्यू दे रखी है एंड नॉमिनल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 0.7% ओनली. अनुसंधान और विकास पर व्यय 0.7% केवल. एक्सपेंडिचर ऑफ प्रिंसिपल साइंस गवर्नमेंट एजेंसी. साथियों भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में विज्ञान केवल 8, 9, 10, 11, 12 संस्थानों में सिमट कर रह गया है. यूनिवर्सिटीज डिग्रियां बांटने की अद्भुत मशीनें बनके रह गई हैं. स्टूडेंट बहुत खुश, पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है. यूनिवर्सिटीज और ज्यादा खुश, पढ़ाना ही नहीं पड़ रहा है. क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर हैं तो बताइएगा, और अगर मैं गलत था तो बताइएगा मैं गलत कहां था. और असली साइंस अब केवल यहां सीमित हो गया है. तो क्या इस तरह से 136 करोड़ का हमारा देश एक वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ पाएगा? बहुत सोचने वाली बात है. और हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेंचुरी में क्या करने जा रहे हैं पता नहीं. गवर्नमेंट बिजनेस यूनिवर्सिटी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 100% के बीच अलग अलग देशों के बीच इंडिया चाइना जर्मनी कोरिया यूएसए जापान इजराइल क्या क्या फर्क है आपके सामने है. आप देख सकते हैं भारत में सरकार का व्यय ज्यादा है, इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन टोटल व्यय हमारे यहाँ बहुत कम होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आरएनडी एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द डेवलपमेंट टाइम. तो भारत के केस में आप देख सकते हैं डार्क ब्लू जो नीचे है, वक्त के साथ एज वी आर मूविंग अहेड इन द डेवलपमेंट टाइम नॉट द क्रोनोलॉजिकल टाइम हमारा आरएनडी व्यय 0.6% पे उलझ के रह गया. बाकी सब देश आप देख लीजिए कहां चले गए. विदाउट रेजिंग दिस वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट. ये बिल्कुल सत्य मान के आप चलिए, इसे बढ़ाए बिना भारत को बहुत तकलीफ होगी. इन्वेस्टमेंट्स इन आरएनडी कंपेरेटिव अब आप देख लीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में. अमेरिका हमसे 10 गुना, चीन हमसे 8 गुना सीधे. इनके साथ हम कंपीट कर रहे हैं, तो हम कंपीट कैसे करने वाले हैं? और आखिरी फिगर उससे भी ज्यादा दिल डुबा देने वाला है, रिसर्चर्स पर 10 लाख पॉपुलेशन अमेरिका 4231, चाइना 1113, इंडिया 156, और इजराइल का तो मैं ना बोलूं तो ही बेहतर है, छोड़ दो. नो डाउट हमें इजराइल से सारा डिफेंस खरीदना पड़ता है, दिख ही रहा है ना उसके नतीजे. सो एज अ नेशन वी रियली नीड टू नाउ थिंक वॉट डिरेक्शन वी वॉन्ट टू टेक इन द फ्यूचर. हम किन मुद्दों पर रोज रात को प्राइम टाइम टीवी में डिबेट करना चाहते हैं? अगर वो मुद्दे ये नहीं है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारा पतन निश्चित है. हम उस तेजी से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. पतन से मेरा आशय है साथियों, हम जो बन सकते हैं वो नहीं बन पा रहे, ट्रेजेडी वो है. अदरवाइज वी आर अ नेशन ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल. मेक श्योर यू एनरोल इन इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड नॉट जस्ट दैट, देर आर एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोग्राम्स. मेक द मोस्ट. ऑनलाइन क्विज सॉल्व कीजिए और आज का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए साथियों हमारी साइट ca.ptgquestion.com से. कैसा लगा आज का सेशन? एंजॉय किया? ये कंबाइंड सेशन था 8th and 9th February का. आई होप योर लव एंड सपोर्ट विल मेक दिस सीरीज द मोस्ट पॉपुलर वन. अपने दोस्तों तक खबर पहुंचाइए.
यूट्यूब पर दिए हुए इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वेबसाइट ca.pteducation.com पर आप आएंगे साथियों, यहां से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे शेयर कीजिए, दुनिया तक खबर पहुंचाइए, आप शेयरिंग यहां से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं यहां पे शेयरिंग के, उतना लोगों तक जानकारी पहुंचेगी और ये अच्छी चीज़ें सभी को पता चलेंगी। तो मेक श्योर दैट यू डू दैट विदाउट फेल। ग्रेट, सो इट्स टाइम फॉर अस नाउ टू कंक्लूड द सेशन। सी यू वेरी सून वंस मोर। नमस्ते, जय हिंद। Thank you.